भाई क्या सीन हुआ यार, ये लोग क्यों सारे चले गए आगे पीछे, क्या हुआ है, कुछ बताएंगे? मारे हैं ये पुलिस वालों ने, बड़े मनहूस हैं। अच्छा, शैल मारे हैं, बच्चों की आंखों में गए हैं शैल, इसकी आंख। ये है किस कॉलेज जहाँ से स्टार्ट होगा सारा निज़ाम, और पुलिस वाले यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं। बिल्कुल मेन रोड है, ड्यूटी रोड है, ऐसी सारी यहाँ अफरा तफरी हो चुकी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर सारे रोड बॉयज सारे भाग गए हैं, क्योंकि पुलिस ने ना आगे सारी शेलिंग की हुई है, और सबको ना मतलब लाठी भी मार रहे हैं, डंडे शंडे मार रहे हैं। क्या हाल है जी खवातीनों, जरा उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, और आप टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे और इसीलिए वीडियो में आए होंगे। इस वक्त मैं जीटी रोड में मौजूद हूँ, मेरी दूसरी तरफ कोहिस्तान इंक्लेव है और इस तरफ जो है क्लासिक ग्रैंड मार्की है, मगर मेरी बैक साइड पर जो है वो किप्स कॉलेज मौजूद है, जहाँ से जो है वो यहाँ की जो आज रैली प्रोटेस्ट वगैरह है वो स्टार्ट होगा। मेरे पीछे पुलिस वगैरह भी, गाड़ियों की खड़ी हुई, और हमसे पहले, लोगों से पहले पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, उनको इतना हमसे भी पहले पहुंच गए। खैर, आज जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा अबाउट पीजीसी कॉलेज लाहौर वाला, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या सीन होता है और कितनी आवाम आती है या कितनी आवाम नहीं आती है। दूसरा जो है वो बड़े बड़े टिकटॉकर, बड़े बड़े यूट्यूबर से बात हुई है, वो कहते हैं हम भी आएंगे, और ये भाई भी हमें देख रहे हैं। आप आओगे या नहीं आओगे? इंशाल्लाह आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्यों आओगे? वजह ये है कि टिकटॉकर, बड़े बड़े टिकटॉकर आ रहे हैं। टिकटॉकर से मिलने आओगे, प्रोटेस्ट पे नहीं आओगे? वो उस पर भी आएंगे, लेकिन चेक करें गाइस, ये हमारी यूथ है, प्रोटेस्ट गया तेल लेने, हम तो आएंगे टिकटॉकरों से मिलने। अच्छी बात है, अपने अपने उसकी बात होती है। तो अभी आज पेपर था? पेपर था। चलो खैर है गाइस, अभी हम 1 बजे स्टार्ट है, अभी तो तकरीबन 11:30 हुए हैं, तो अभी तो कोई माहौल नहीं है, अभी कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं है, रश नहीं है, तो आपको फिर 1 बजे का माहौल है वो दिखाएंगे। शुक्रिया। ये है किस कॉलेज जहाँ से स्टार्ट होगा सारा निज़ाम, और पुलिस वाले यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं। बिल्कुल मेन रोड है, ड्यूटी रोड है। A few moments later. भाई गांव खराब है भाई, शेलिंग हो रही है सारी, यहाँ अफरा तफरी हो चुकी है। ये देख सकते हैं यहाँ पर सारे रोड बॉयज सारे भाग गए हैं, क्योंकि पुलिस ने ना आगे सारी शेलिंग की हुई है, और सबको ना मतलब लाठी भी मार रहे हैं, डंडे शंडे मार रहे हैं, तो आगे जाना तो फिर औखा। भाई क्या सीन हुआ है यार, ये लोग क्यों सारे चले गए आगे पीछे, क्या हुआ है, कुछ बताएंगे? मारे हैं ये पुलिस वालों ने, बड़े मनहूस हैं। अच्छा, शैल मारे हैं, बच्चों की आंखों में गए हैं शैल, इसकी आंख में भी गया है, देखें ये देखें आंखें लाल हो रही हैं। सिलसिला ये है कि जीटी रोड बंद हो चुका है जी, और आवाम अच्छी खासी खड़ी हुई है, पुलिस वाले यहाँ से जाके वहाँ पहुंचे हुए हैं, और ये वाला जीटी रोड आप देख सकते हैं खाली मुकाली है, जीटी रोड बंद हो गया, जो ये वाला जीटी रोड है सारा बंद हो चुका है, सारी आवाम वहाँ से जा रही है, और वो वाली आवाम भी नस गई है, पुलिस गई है तो वहाँ से भी नस गई है। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खौफनाक मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है, हमारे जिस्म जख्मों से चोर सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो खुदा। कितने सवाल होंगे उसके लबों पे, और इधर पुलिस छिड़के नमक मेरे जख्मों पे, पीछे रह गए मुजाकरात मुजाहिरे, सोशल मीडिया भी चुप भूल गए सब जाहिर है, ये हम तो बस फॉलो करते ट्रेंड। प्रोग्राम तो बढ़ गया गाइस, जो भी स्ट्राइक वो कहते हैं इनका जो सीन था सारा वो कहते हैं तो प्रोटेस्ट वगैरह था, तो ये सारा इन्होंने जो है वो इतनी शेलिंग मारी कि वो जो है ना सारा जो है उन्होंने
कैंसिल कर दिया। तो अब जो है वो इस ब्लॉग को फिर इधर ही ख़त्म करते हैं। आपने सीन देखे होंगे कैसे ये लोग जो हैं वो मारे थे शल वगैरह। तो ये है पाकिस्तान की सूरत हाल, बंदा किसी की आवाज़ उठाने के लिए भी निकल गए। सो सैड, शेम पुलिस वालों, शर्म नहीं आती यार। लोग अपने निकले हुए हैं जी, स्टूडेंट्स के ऊपर डंडे मार रहे हैं यार, एक बात है करने। सो सैड।